आइए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। यह डायग्राम आप देख रहे हैं, कहता है PQ जो है वो परपेंडिकुलर है QR पे। परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये एंगल PST, ये 28 डिग्री दिया हुआ है, 28 डिग्री। और हमें x की वैल्यू निकालनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। एंगल PST बराबर होगा एंगल QSR के। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसका क्या तात्पर्य है कि एंगल QSR जो है वह 28 डिग्री का हो जाएगा। अब आइए बात करें, हम ट्रायंगल SQR को ले लेते हैं। ट्रायंगल SQR, त्रिभुज SQR में तीन एंगल हैं, एक ये वाला एंगल, एक ये और एक यहां, इन तीनों का सम 180 होगा। तो एंगल QSR, एंगल SQR और एंगल SRQ, ये मिलकर के 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी, QSR कितना दिया हुआ है 28 डिग्री, SQR कितना है 90 डिग्री, SRQ पता नहीं है, यानी SRQ 90 प्लस 28 कितना हो जाएगा 118 बराबर 180 डिग्री, यानी एंगल SRQ जो है वह क्या हो जाएगा 180 माइनस 118, एंगल SRQ निकल करके आ जाएगा 62 डिग्री। ये एंगल जो है वो निकल करके आ गया कितना 62 डिग्री। नाउ ये एंगल SRQ प्लस एंगल SRT ये वाला मिलकर के 180 होगा लीनियर पेयर, इक्वल्स 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर, जिसे हिंदी में रैखिक युग्म कहते हैं। SRQ तो आपको पता है 62 डिग्री, SRT नहीं पता है, 180, यानी SRT जो है वो हो गया 118 डिग्री। ये इधर गया, माइनस कर लिया। अब अगर हम बात करें इन ट्राइंगल SRT, उसके तीन एंगल हैं, कौन कौन से? एंगल TSR, दूसरा एंगल है दूसरा एंगल इसमें कौन सा है दूसरा एंगल है STR,
और तीसरा एंगल कौन सा है, एस आर टी, ये मिलकर के 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी से। टी एस आर कितना है भाई, टी एस आर एक्स है, एस टी आर कितना है, एक्स प्लस 16 है, और एस आर टी कितना है, 118 है, इक्वल्स 180, 2x 134 इक्वल्स 180, 2x इक्वल्स 180 माइनस 134, 2x इक्वल्स 10 में से 4 गया तो 6 और 17 में से 13 गया तो 4, यानी x बराबर कितना, 23 डिग्री। तो x की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 23 डिग्री। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है कि एक कोई इवेंट है जिसका होने का प्रोबेबिलिटी 3/5 है, तो उसके नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो आपको पता है किसी इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, ये मिलकर के 1 होता है। तो ये दिया हुआ है 3/5 पी नॉट ई इक्वल्स 1, पी नॉट ई इक्वल्स 1 माइनस 3/5 पी नॉट ई इक्वल्स 5 बन गया 5 माइनस 3 पी नॉट ई इक्वल्स 2/5। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को पहले कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चन नंबर 4 को पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या है, 729x³ - 512y³। तो आपको पता है कि ये 729 जो है ये 9 का क्यूब होता है और 512 जो होता है वो 8 का क्यूब होता है। तो ये चीज जो है इसको हम ये लिख सकते हैं। अब ये कौन सा फॉर्मूला बैठ गया, a³ - b³ क्या होता है, a - b। फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, a³ - b³ ये होता है a - b, a² + ab + b²। तो ये क्या हो जाएगा, 9x - 8y, 9x का स्क्वायर 9x * 8y + 8y का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 9x - 8y, और इधर क्या आ जाएगा, 81x² 72xy और 64y². तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 तो भी लगे हाथों कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, ये एंगल 90 है, ये 30 है, ये निकाल लेंगे, ये जितना बड़ा होगा ये उतना ही हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट, और ये एंगल मिलकर के 180 होगा क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल FAE एंगल FAE एंगल AFE और एंगल FEA, ये मिलकर के 180 डिग्री हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। FAE जो है वो है 30, AFE जो है ये 90 है, FAE ये 30 है और FEA 180 डिग्री 120 प्लस एंगल FEA 180 डिग्री
एंगल एफ ई ए 180 माइनस 120, एंगल एफ ई ए इक्वल 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया। अब क्या करना है, अब हमें लिखना है एंगल एफ ई ए बराबर होगा एंगल बी ई सी के। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसका क्या मतलब है कि बी ई सी जो है वो कितना हो गया, वो 60 डिग्री हो गया। ये एंगल 60 हो गया। फिर लिखेंगे नाउ बी ई सी प्लस सी डी ई या ई सी डी, ये मिलकर के 180 डिग्री होंगे। क्यों, ये को इंटीरियर एंगल है। आप देख रहे हैं ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये तिर्यक रेखा है, है ना। ये को इंटीरियर क्यों हुआ, तो उसका रीजन आप लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो समानांतर है सी डी के और ई सी जो है वो ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो बी सी कितना है, 60 डिग्री प्लस ई सी डी इक्वल 180 डिग्री, यानी एंगल ई सी डी बराबर 120 डिग्री।